चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीटीपी विधायक रामप्रसाद डेंडोर का एक महीने बाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुआ भव्य स्वागत। विधायक रामप्रसाद डेंडोर ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाकर उनकी जनसमस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पाड़वा में जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक रामप्रसाद डेंडोर ने सरकार के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप सबका स्वागत आभार। मैं खास तौर से आपके बीच में, हम एक महीने तक करीबन आपसे दूर रहे, लेकिन क्यों रहे, क्या स्थिति थी उस समय में भी थोड़ा कहना चाहूंगा। लेकिन आप सुबह से लंबे समय से इंतजार के बाद आप यहाँ इंतजार कर रहे थे हमारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जो स्थितियां महीने भर के अंदर जो हुआ वो क्या हुआ वो हम बताना चाहते हैं कि इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का, उसको खत्म करने का, उसको हटाने का काम कर रहे थे। और उन्होंने ये काम, आपको मालूम है, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया, कर्नाटक की सरकार को गिराया और ये पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। इसलिए हमने जो आपके द्वारा जो हमको खुद का सब कुछ खर्च करके आपने जो हमको ये जो बनाया था, वो आपके आप सम्मान के लिए, सागवाड़ा की जनता के सम्मान के लिए, उनके गर्व के लिए हमने सोचा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो सरकार को गिराना चाहते हैं, हम सरकार को बचाएंगे, ये हमने ठान लिया। क्योंकि ये लोग क्या कर दिया था, इन लोगों ने 35-35 करोड़ का ऑफर दिया, खुला ऑफर, और इसके बाद में उन्होंने और बढ़ा दिया, मर्जी हो उनका ले लो, लेकिन सरकार गिरा दो। हमको मालूम था बराबर कांटे का टक्कर था, हम दो बीजेपी के थे, वो निर्णायक थे। हमको मालूम है यहाँ जो मुख्यमंत्री हमारे आते थे कहते थे कि बीजेपी के लोग पानी का बुलबुला है यो, लेकिन उस बुलबुले के अंदर ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन हमने सरकार को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने उनको ऑक्सीजन दिया और सरकार को बचाई। ये आपके हमारे के सम्मान की बात है। इसे मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार गिराना चाहती थी, वो इसलिए सरकार गिराना चाहती थी कि पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी, न्याय व्यवस्था को खत्म करना चाहती थी, जिससे आम लोगों जो हक अधिकार है उनको खत्म किया जाए। उनके लिए आप ये लोग कहते ही है, आपको मालूम है कि 24 के बाद में कोई चुनाव नहीं होंगे। ये जो उनकी मंशा ये है कि ऐसी सरकार को नेस्ताबूत कर दो, लोकतांत्रिक चुनी सरकार को गिरा दो और न्याय व्यवस्था को पंगू बना दो, ये करने से लोगों का विश्वास हट जाएगा और हम तानाशाही शासन लागू कर देंगे, हम कोई चुनाव नहीं होने देंगे। हम ये उनकी मंशा थी, उनको हमने ना असफल कर दिया, नकार दिया हमने। और हम लोगों ने जो बीजेपी के दो आदमी थे, जो आपका आशीर्वाद, आपने तन मन धन से हमको जो सहयोग किया, वो आपका मान सम्मान था, वो हमने रखते हुए सरकार को बचा के ले रहा है। आपके इसलिए हम आपसे करना चाहते हैं, अब यह समय है, ये जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये जो सरकार का हक अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, चाहते क्या है, ये जो लोग हैं उनके मुंह पे मास्क लगा दो, बोलता बंद कर दो, कमरे से कर रहे हैं, गांव में कोई कोरोना नहीं है, है क्या, कोई कोरोना नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोरोना घोषित करके क्या करना चाहते हैं अंदर, फिर यदि कोरोना पॉजिटिव में मौत भी हो
बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मेहनत कश लोग हैं, उसको कोरोना नहीं है, इसको है कोरोना। ये शहरों में रहोगे, एसी में रहने वाले लोग हैं, उनको कोरोना है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो स्कूलें हैं गांव में, वो तत्काल चालू कर दी जाए, यहाँ कोई कोरोना नहीं है गांव के अंदर। और जो जांच कोरोना है, शहरों में जहाँ कोरोना है, वहाँ तुम तो रहो ऑनलाइन पढ़ाते रहो, हमारे बच्चों को स्कूलों में जाके पढ़ेंगे। यह बात सरकार को भी जाके बताएंगे। इसलिए हम साथियों चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, उनको हराना है, उनके मंसूबे को फेल करना है। नहीं तो तुमको कोरोना कोरोना करके आपको मालूम है, जहाँ कोरोना पॉजिटिव हो गया 144 लग जाती है। 44 कब लगती थी? 144 तब लगती थी जब बहुत दंगा फसाद हो जाता था, तब कोरोना 144 लगती थी। आप लेकिन एक पॉजिटिव निकल गया 144, आपको बोलने नहीं देंगे, आपको बाहर निकलने नहीं देंगे, आप घर के अंदर बंद हो जाओ। ये लोग जो कर रहे हैं तो बहुत ऊंची चाल है इनकी, बहुत गहरी चाल है साथियों। इसलिए ये जो कह रहे हैं मास्क लगाओ, लगाना है, लगा के शहर में जाना है, अपन को बीमारी नहीं लानी है, हमको पालना करनी है। लेकिन सरकार के नियमों की पालना करते हुए बोलना, जो मुंह बंद किया है, बंद करने के बाद भी बोलना है, बोलना नहीं छोड़ना है, विरोध करना नहीं छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, जो बड़े बड़े जगह हो सकता है, तो फिर यहाँ गांव के लोग जो दूर दूर कर रहे हैं, वहां क्यों विरोध हो रहा है? इसलिए मेरे साथियों, अभी कोई ना उस चीज की, न जात पात की, न धर्म की बात है, ये केवल ये लोकतंत्र को खत्म करने की बात है। उसको बचाने के लिए जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, आज मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, ये जरूर जानता हूँ कि बीजेपी, ये कांग्रेस की जो सरकार बचाई है, उसपे हमने एक महीना अंदर रहे, साथ में रहे, परिवार की तरह रहे, लेकिन उनको पता लग गया कि बीजेपी वाले लोग हमारा ऑक्सीजन हुआ और उनको बचाया है हमको। तो आपके काम की कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम यहाँ दंगा फसाद झगड़ा बनता कुछ नहीं होने देंगे। ये आपको विश्वास देता है और इस इलाके में विकास के जो काम है, क्यों कह रहे हैं ये? हम इसलिए कह रहे हैं, जब हमारा हक बनता है, हमने सरकार को बचाया है, सरकार को ऑक्सीजन दिया है, तो वो हमारे काम नहीं रोक सकती, क्या की जनता की आवाज को नहीं दबा सकती। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव है, उस चुनाव के अंदर इन सरकारी ताकतों को हराना है। हराना है कि नहीं हराना है? ये पूरे ठान लो। आपको क्यों कह रहा हूँ? इसलिए छाती ठोक के कह सकते हो बीजेपी वालों को कि तुम तो लोकतंत्र को गिराने की, लोकतंत्र को हराने की, सरकार को गिराने का काम कर रहे थे, अब साइलेंटली आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस वालों के बोल दीजिए, आपको बचा के लाने वाला तो हमें, हमारे संबंध में आपको बोलने की जरूरत नहीं। सुना तो ये चाहिए था कांग्रेस वालों को, आगे बढ़ के हमारे को फूल मारा था, उनको पहरा नहीं चाहिए, सही है कि नहीं? क्या उनको अभी भी पारा ढीला हो गया है, बोल ढीला हो गया है, उनको अभी टाइट करना पड़ेगा। आप भी समझ जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपके सामने कुछ भी हो सकता है साथियों। इसलिए मैं आप सबसे सर्वदा की सारी जनता के साथ में अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे बीच में जो दूरियां पैदा की है, आपको दूर रहने के मजबूत है, SC ST OBC सारी जातियां, हम सब मिलकर के इनका जो संघ है उसको फेल करना है कि नहीं करना है? और जिनको नहीं करना हो तो स्वीकार करते रहना और चलते रहना। इसलिए मैं अंत में आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो मौके पे मेरे को थोड़ा जो बहुत लंबा शेड्यूल है, हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे मीडिया कर्मी है, उनका भी आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी इस मौके पे आकर के हमारे बीच में जनता की आवाज को सुना रहे हैं, पहुंचाएंगे। तो मैं दोबारा आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो चल रहा है
उस षड्यंत्र को नाकाम करने की कोशिश की जाए। और मैं इस मीडिया के माध्यम से न केंद्र सरकार का विरोध कर रहा हूँ और नई राज्य सरकार का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन भारतीय जो हमारे साथ में चाल है, तो हम चाल को हम फैल करना है, उसको हमको आगे नहीं बढ़ने देना है। हमको जो अनपढ़ रखने वाले हैं, हमको जो अनभिज्ञ, हमको जो जानकारी नहीं करना चाहते, क्यों देख रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ मैं ये कि गांव में स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ेंगे, आगे आएंगे नहीं, कुछ मांगेंगे नहीं, क्या करेंगे? पढ़ के योग्य नहीं होंगे और फिर पास कर दो तो क्यों नौकरी मांगेगा? ये उनकी चाल है, उस चाल को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कह रहा था कि साल नाकाम करने की कोशिश करो, हम सबको एक होके ये इनके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। और साथियों, जब सरकार में बड़े बड़े लेवल पे सब कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, तो एक गांव में क्यों नहीं हो सकते? और जहां तो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान साथी है, हमारे जानकार साथी है, सारे कामों को एक एक होकर के विकास में हमारा सहयोग करें। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जोहार, अभिवादन, स्वागत, जोहार, धन्यवाद। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहें, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज़ यूट्यूब चैनल।